टू आई जी एम कोचिंग इंस्टीट्यूट। दोस्तों जब हम बात करेंगे यहाँ पर सेट नंबर हमारा 9 होगा, और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर रेलवे का टेस्ट सीरीज चल रहा है जो कि यहाँ पर जनरल साइंस का होता है और आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों जान लेते हैं, जो व्यक्ति नया है चैनल पर मैं उससे करूँगा गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पता है कि ये टेस्ट सीरीज हमारी रेलवे ग्रुप डी एंड लोको पायलट एंड ASM एंड ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऐसे ही क्वेश्चन दोस्तों आपको पता है कि ये हमारे पूछे जाते हैं जो एग्जाम होते हैं जनरल साइंस की। तो दोस्तों जान लेते हैं, जैसा कि हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, दोलन करते समय लोलक की स्थितिक ऊर्जा कहाँ पर अधिकतम होती है। दोस्तों जो हमारा जो दोलन होता है उसकी दोनों साइड होती है हमारी सबसे ज़्यादा स्थितिक ऊर्जा होती है, ठीक है, तो उसके दोनों किनारों पर होती है सबसे ज़्यादा स्थितिक ऊर्जा, तो आंसर हो जाएगा उसके किनारों की स्थितियों पर, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पर, पृथ्वी तथा अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है, यह सबसे पहले किसने सिद्ध किया था। दोस्तों जो कोपरनिकस था उसने सबसे पहले बताया था कि सभी ग्रह हैं ये हमारे सूर्य की ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक। यदि जल को 10 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किया जाए तो क्या होगा। दोस्तों हम लोग जल को अगर 10 डिग्री से 0 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा किए तो जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस पर तक तो कम होता है और फिर बढ़ता है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, विद्युत परिपथ में क्या होता है, अमीटर समांतर क्रम में तथा वोल्ट मीटर श्रेणी क्रम में जुड़ा जाता है, ठीक है, या फिर अमीटर श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जुड़ा जाता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, अमीटर श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर समांतर क्रम में जुड़ा जाता है। एक अर्धचालक वह पदार्थ है जो धारा प्रवाह एक दिशा में होने देता है किंतु विपरीत दिशा में नहीं, या फिर विद्युत रोधी से अधिक चालकता रखता है परंतु पूर्ण चालक से कम रखता है। बिल्कुल सही है, जो अर्धचालक होता है दोस्तों ये हमारे, जैसे कि आपको पता हो कि सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, सेलेनियम है, ये हमारे सब अर्धचालक हैं, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ हमारा, निम्न विद्युत चुंबकीय तरंगों में किसकी आवृत्ति अधिकतम होती है। दोस्तों इसकी आवृत्ति पूछी गई है, तो आवृत्ति हमारी अधिकतम होती है अल्फा एक्स किरणों की, अल्फा बीटा गामा किरणों की, या फिर परावैनी किरणों की, या अवरक्त किरणों की, तो वहाँ गामा किरणों की, ठीक है, बी हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होता है। तो उसका प्रतिरोध हमारा 1/16 गुणा हो जाएगा, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा 7 का हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया गया है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर उसकी बहने वाली धारा के समानुपाती होता है, यह नियम कौन सा नियम है। तो आपको पता होगा तो यह नियम हमारा ओम का नियम होता है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया गया है, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस कार्य के लिए मिला था। तो आइंस्टीन ने हमारा E=MC² जो सिद्धांत किया था, यहाँ पर सी हमारा क्या होता है आपको पता होगा, तो उन्होंने दिया था सापेक्षता का सिद्धांत, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा 9 का बी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक लड़की झूला झूल रही है, उसके पास एक अन्य लड़की आकर बैठ जाती है, तो झूले का आपातकाल क्या प्रभाव पड़ता है। तो झूले का पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, अप्रभावित रहता है, अगर बैठ जाएगी वो खड़ी हो जाएगी तो घट जाएगा, ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन में बैठ रही है लड़की आकर, तो आंसर हो जाएगा अपरिवर्तित रहेगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन में ये पूछता कि एक लड़की झूला झूल रही है, एक लड़की और आ जाए, या फिर वो लड़की खड़ी हो जाए जो झूला झूल रही है, तो उसका आपातकाल घट जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अपरिवर्तित रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया गया है, कॉर्नेलाइट किसका अयस्क है। तो कॉर्नेलाइट से हमारा मैग्नीशियम का अयस्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया गया है, हमें बताना है कार्बन की मात्रा का अवरोही क्रम, ठीक है, तो अवरोही क्रम चुनने के लिए हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ए, पिटवा लोहा, फिर ढलवा लोहा, मृदु लोहा, इसमें कार्बन की अवरोही क्रम की यहाँ पर ए क्रम बन जाएगा, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया गया है, प्राकृतिक रबड़ को अधिक मजबूत तथा प्रत्यास्थ बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो उसमें सल्फर मिलाया जाता है, ठीक है, इसे कहते हैं इस क्रिया को वल्नीकरण, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया गया है, हेलोजनों में सबसे अधिक अभिक्रियाशील गैस कौन सी होती है। तो हेलोजन में सबसे अधिक अभिक्रियाशील फ्लोरीन होती है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्न में से कौन सा विद्युत अनुचुंबकीय पदार्थ होता है। तो यहाँ पर जस्ता है, तांबा है, कोबाल्ट है, निकिल है, तो दोस्तों आंसर होगा हमारा इसका सी, ठीक है, 15 का हो जाएगा हमारा जस्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया गया है, 16 नंबर, धूप के चश्मे के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है। तो धूप के चश्मे के लिए क्रुश कांच का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आपको ऑप्शन में सी दिख रहा होगा, ठीक है।
यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है बताना है, तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, जो कि आपको ऑप्शन डी दिख रहा होगा, तो 17 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। ठीक है, रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस किससे प्राप्त किया जाता है? दोस्तों लिटमस होता है जो हमारा रसायन प्रयोगशाला में उपयोग के लिए में लाया जाता है, तो ये हमारा शैवाल से प्राप्त होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, यहाँ पर शैवाल लिखा होना चाहिए था, यहाँ पर सैक लिखा है, तो यहाँ पर शैवाल साइ, यहाँ पर शैवाल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा शैवाल। नेक्स्ट हमारा यहाँ क्वेश्चन है, अक्रिय गैसें हैं एक परमाणु, द्वि परमाणु या फिर त्रि परमाणु या शून्य परमाणु। तो हमारी अक्रिय गैसें होती हैं, ये एक परमाणु गैसें हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका निम्न में से किस में लगाया जाता है? दोस्तों बीसीजी का टीका हमारा एक्चमा होता है रोग जब लगाया जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, म्यादी बुखार में शरीर का मुख्य रूप से प्रभावित होने वाला अंग क्या होता है? तो वो हमारी आंतें होती हैं। तो आंसर हो जाएगा हमारा आंतें, जब हमारे टाइफाइड होती है तो हमारी आंतों पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा डी। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन की खोज दोस्तों फंग ने की थी 1911 में, पता होगा आपको। और विटामिन डी हमें सूर्य से प्राप्त होता है और इसको हमारा हार्मोन माना जाता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा विटामिन डी। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल क्या है? दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट करना है, उम्मीद है कि आप कमेंट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर 24 नंबर क्वेश्चन होगा, मानव शरीर में रक्त परिसंचरण का सही अनुक्रम क्या है? तो दायां आलन, दायां निलय, फेफड़ा और बायां आलन। ठीक है, ये हमारा इसका क्रम होता है, किसका हमारा क्रम होता है, ये हमारा रक्त परिसंचरण का क्रम होता है। ठीक है, पहले दायां आलन आता है, फिर उसमें दायां निलय में आता है, फिर फेफड़ा में, फिर बायां आलन में। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, एंटीबॉडीज का निर्माण होता है लिम्फोसाइट से, अस्थिमज्जा से, रुद्र प्लेट से या श्वेत रुद्राणु से। तो आंसर होगा हमारा 25 का ए, ये हमारा बॉडी एंटीबॉडीज का निर्माण होता है लिम्फोसाइट से। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर ए। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, दृष्टिपटल रेटना पर बना चित्र बनता है? दोस्तों मैं यहाँ पूछा गया है रेटना पर कैसा बनता है प्रतिबिंब, तो हमारा ये बनता है उल्टा और वस्तु के बराबर। ठीक है, वस्तु के बराबर और परंतु उल्टा बनता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है 27 नंबर, निम्नांकित ऊर्जा रूपांतरणों में से किसके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संभावित संपादित होती है? दोस्तों हमारी प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा होती है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, ये हमें मिलान करना है। ठीक है, तो जैसा कि हमारा नीला व्हेल क्या है, स्तनधारी है, तो हमारा डी का 3 हो जाएगा। तो डी का 3 हमारा दोनों में है, तो एक हम और चेक कर लेंगे यहाँ पर 28 में, तो इसमें एक और हम चेक कर लेंगे, तो 28 का आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी। ठीक है, तो ये हमारा नीला व्हेल हमारा स्तनधारी है। ठीक है, और सी हमारा ब्लैक फिश हमारा क्या है, मत्स्य। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, हल्दी के पौधे का खाने योग्य भाग कौन सा होता है? दोस्तों तो हल्दी का के पौधे का खाने योग्य भाग हमारा प्रकंद होता है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर प्रकंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ हमारा, कुष्का सिद्धांत किसने दिया था? दोस्तों हमारी कुष्का की तो दोस्तों यहाँ पर कुष्का की खोज हमारी कुष्का की खोज हमारी यहाँ पर रॉबर्ट हुक ने की 1665 में, लेकिन यहाँ पर कुष्का सिद्धांत पूछा गया है, तो कुष्का सिद्धांत हमारी स्लेडन एंड स्वान ने की थी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर बी। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, कृष्ण क्षेत्र जो ब्लैक होल है वो सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो हमारा जो कृष्ण क्षेत्र ब्लैक होल सिद्धांत प्रतिपादित किया था एस चंद्रशेखर ने। ठीक है, तो आंसर होगा हमारा यहाँ पर एस चंद्रशेखर। जो आप दोस्तों यहाँ पर ब्लैक होल हमारा प्रतिबंध किसने किया, ब्लैक होल हमारा एस चंद्रशेखर ने सिद्धांत दिया था, तो आंसर हो जाएगा हमारा एस चंद्रशेखर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ हमारा, इक्विनिक्स जो हमारे क्या होती है, इक्विनिक्स को कहते हैं हम लोग जब दिन और रात बराबर होती है, इसको हम इक्विनिक्स बोलते हैं। ठीक है, कि बस में दो काल होते हैं, जब कौन कौन से डेट को हमारी रात दिन बराबर होते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा 21 मार्च और 23 सितंबर को हमारे दिन और रात बराबर होते हैं, इस प्रक्रिया को हम इक्विनिक्स बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, ओजोन परत अवस्थित होती है दोस्तों, तो ओजोन परत हमारी समता मंडल में अवस्थित होती है, तो हमारा 33 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर सी। बादलों के फटने का तात्पर्य क्या है? तो बादलों के फटने का कारण मुख्य कारण हमारा तड़त झंझा के साथ तीव्र मूलाधार वर्षा की आसमान दशा है, तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पर बी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है 35 नंबर, सरल लोलक का आपातकाल दोगुना हो जाएगा यदि उसकी इसकी लंबाई तथा द्रव्यमान दोनों दोगुने कर दिए जाएं, या फिर
लोलक का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो दोस्तों आंसर होगा हमारा 35 का सी, क्योंकि हमारी इसकी लंबाई चार गुनी कर दी जाए तो हो जाएगा आपद का दोगुना, ठीक है, तो उसकी लंबाई चार गुनी कर दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे यहाँ पर दिया गया है, ऊष्मा किस प्रक्रिया में सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरण होती है, दोस्तों हमारी जो विकिरण होती है इसमें सबसे ज़्यादा ऊष्मा हमारी तीव्र गति से स्थानांतरण होती है, जो हमारा सूर्य से प्रकाश मिलता है ये हमारा विकिरण के द्वारा ही मिलता है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। और निम्न में से प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है दोस्तों, तो इसका आंसर आपको कमेंट करना है, याद रखिए 37 नंबर का आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 38 नंबर, एक कंप्यूटर की स्मृति मेमोरी को प्रायः किलोबाइट या मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है, जैसा कि एक बाइट में क्या होते हैं, एक बाइट में हमारे 8 बाइनरी अंक होते हैं, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, ये हमारा कंप्यूटर का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा विद्युत अनुचुंबकीय है, तो हमारा जस्ता हमारा अब अनुचुंबकीय विद्युत, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा जस्ता। नेक्स्ट है यहाँ हमारा एक क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, मैंने अभी बताया था पिछली बार, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड को मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी, ठीक है। किसी नाभिक में 13 न्यूट्रॉन तथा इसकी द्रव्यमान संख्या 24 है, तो परमाणु क्रमांक क्या होगा, दोस्तों डायरेक्ट घटा देंगे द्रव्यमान संख्या में से, अगर हम न्यूट्रॉन को घटा देंगे तो हमारी परमाणु क्रमांक आ जाएगा, ठीक है, तो वो 11 होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, मैकेलाइट निम्न में से आयक्स है, दोस्तों मैकेलाइट हमारा कॉपर का आयक्स होता है, सीयू को हम कॉपर बोलते हैं, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, तो विटामिन डी को माना जाता है, आपको पता होगा अभी बताया था। नेक्स्ट यहाँ हमारा क्वेश्चन है, वृद्धि हार्मोन श्रावण होता है, दोस्तों पिट्यूटरी ग्रंथि से हमारे वृद्धि हार्मोन श्रावण होते हैं, अगर इसको दोस्तों हम लोग मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, और हमारे ये मस्तिष्क के बीच बीच रखी रहती है, पता है आपको। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर क्वेश्चन है, ईस्ट मशरूम हमारे क्या है दोस्त, ईस्ट और मशरूम क्या है दोस्तों हमारे यहाँ पर, तो ये फफूंद होते हैं, इन्हें हम फंगी बोलते हैं, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, 3 से 4 वर्ष के बच्चे में कौन से दांत नहीं होते हैं, तो हमारे चयवड़क जो मोलर जो जिन्हें हम अंग्रेजी में मोलर बोलते हैं, चयवड़क मोलर दांत नहीं होते हैं, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, BCG का टीका नवजात शिशु को कितने दिनों के भीतर लगाना चाहिए, तो BCG का टीका हमारा जन्म के तुरंत बाद देना चाहिए, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पर सी। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, थियोलॉजी का अध्ययन किया जाता है, विभिन्न धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन, ठीक है, तो 48 का आंसर हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, ये हमें मिलान करना है, जैसे पायरोमीटर से क्या नापते हैं हम लोग, उच्च तापमान, ठीक है, तो एक का दूसरा हो जाएगा, तो एक का दूसरा इस दोनों में दिए गए हैं, तो हम मान लेते हैं एक का दूसरा हो गया, ठीक है। हम लोग देखते हैं एनेमोमीटर, तो एनेमोमीटर से क्या नापते हैं हम लोग, वायु की दिशा, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी का 4, तो बी का 4 ये मिल रहा है, एक का 2 ये मिल रहा है, तो आंसर हो जाएगा हमारा, अभी दोस्तों एक और देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा देखते हैं हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर से हम लोग क्या नापते हैं, आपेक्षिक आर्द्रता, ठीक है, तो सी का 1 हो जाएगा, तो सी का 1 हो जाएगा हमारा, तो आंसर हो जाएगा हमारा ए, ठीक है। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा।